मोस्ट वेलकम टू कविता इज हेयर यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने एक ओपिनियन पोल क्रिएट किया था जिसमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर सीटेट प्रिपरेशन को लेकर था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है, जिसमें मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मिक्स फॉर्म में है, और इस वीडियो के साथ अंत में बोनस पॉइंट के रूप में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी हैं, जरूर देखिएगा। और साथ ही कुछ डाउटफुल क्वेश्चन की क्लेरिफिकेशन भी अटेस्ट की है मैंने, जरूर देखने का कष्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टेस्टिंग पॉइंट, सी टैट मॉडल प्रश्न पत्र। नंबर फर्स्ट, इनमें से किन विषयों का समूह शिक्षक को अच्छी अध्ययन विद्या विकसित करने में सहायक है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, नंबर सी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, नंबर डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। मैं इनके आंसर्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद कोशिश करें, सेल्फ एनालिसिस करें और बाद में मेरे आंसर के साथ उसको टैली करें। ओके, नेक्स्ट वन, अगर एक विद्यार्थी, अब आप ये देख लीजिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और बीइंग अ टीचर आपको इसकी नॉलेज अवश्य होनी चाहिए, और आपको इसमें किस केस में आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बिहाव पे सोचना है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अगर एक विद्यार्थी प्रश्नों को हल करने की कोशिश बिना शिक्षक की मदद के कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क, उस पर ध्यान ना दे, नंबर घ सहायता लेने की सलाह दे, नंबर ग उसको गलती के लिए झिड़क दे, और घ उसके प्रयास को सराहें। ओके, नेक्स्ट है नंबर थर्ड क्वेश्चन इज, विद्यार्थी को जीवन में सफलता के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? किसके हैं ये? टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक शिक्षक विद्यार्थी को जीवन में सफलता के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो क है निश्चित शिक्षा के द्वारा, ब है या ख है प्रसंगात्मक शिक्षा से, ग गहन अध्ययन से, और घ रटने की काबिलियत से। बहुत इजी क्वेश्चन है और आई होप कि इसका आंसर आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, परिवार का संबंध किससे है? क इनफॉर्मल एजुकेशन से, ख फॉर्मल एजुकेशन से, ग नॉन फॉर्मल एजुकेशन से, या घ डिस्टेंस एजुकेशन से। ओके, नंबर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा देने का प्रमुख कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी नियमित रूप से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल औचित्य क्या है ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इवनली ग्रेजुएशन में भी आपने इसको जरूर फेस किया होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि इससे प्रदूषण में कमी आ सकती है, नंबर बी पर्यावरण लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ग सरकार पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है, और घ हम पर्यावरण को झुठला नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन मैं इसका आंसर्स दे दूं, लेकिन इसके साथ आपके लिए जीके अपडेट भी है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो अपडेट जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फिफ्थ से डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। नंबर फिफ्थ है आपका, तो आई होप इसका आंसर है बी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। ओके, नंबर बी पर्यावरण लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नंबर फोर्थ, परिवार का संबंध किससे है? परिवार का संबंध, जैसा कि हम जानते हैं कि मेन रूप से फॉर एजुकेशन जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन फॉर्मल, सेकेंड वन इनफॉर्मल, और थर्ड नॉन फॉर्मल। तो आई होप आप इसका आंसर क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्मल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी अप्लाई नहीं करेगा। तो दैट्स मीन कौन सा ऑप्शन बचा? नंबर ग सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, दैट्स मीन लर्निंग फ्रॉम होम कनेक्टेड टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इजंट इट? ओके, नंबर थर्ड, विद्यार्थी को जीवन में सफलता के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो आई होप इसका आंसर भी क्लियर है आपके लिए, नंबर बी प्रसंगात्मक शिक्षा से, जो मोस्ट प्रोबेबली हमको प्रमोट
करती है। ओके, कंटेंट बेस्ड शिक्षा से ही हमारे जीवन का जो प्रमोशन है वो संभव हो सकता है। नंबर सेकंड, अगर एक विद्यार्थी, ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूँ, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक टीचिंग एप्टीट्यूड के नॉलेज के हिसाब से या अपना टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक इसका आंसर होगा बी या डी। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू यू कि इसका जो आंसर है वो बी एक्यूरेट है या डी। ये कोशिश मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। ओके, और मुझे इसका पर्टिकुलर कंफर्म है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका रिप्लाई देने का कष्ट करें। ओके, और सी टैट मॉडल प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर मैं कम्प्लीटली आपके लिए छोड़ना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, जिससे क्या हो कि आपकी जो एनालिटिकल जो बुद्धि है वो मर्ज हो। ओके, आई होप आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। तो चलिए, अब इसका जो बोनस पॉइंट है और जो इसके डाउटफुल क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन है उसको भी देख लेते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स की, ओके, संक्षेप में। ओके, फर्स्ट वन, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट वन, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया, 85 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट वन, यूएई ने हाल ही में जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने कोरोना कवच नीति को समूह स्वास्थ्य बीमा के रूप में बेचने की अनुमति दी। ओके, नेक्स्ट वन है आपका कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप, दैट्स मीन जो ये दो आयोग हैं ये आपस में मर्ज हो गए हैं, और मर्ज जो होने के पश्चात इनका क्या फॉर्मेट है उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। ओके, बीइंग कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें इसकी भी जानकारी होनी आवश्यक है। शीर्षक है कि नया आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। ओके, इसका जो नया फॉर्मेट है किस नाम से जाना जाएगा, यूपी एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। सेवाएं, इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दें कि इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः तीन श्रेणियां होगी, थ्री कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट वन है आपका क वर्गीय सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगे। नेक्स्ट है ख बी कैटेगरी, जो सर्विसेज हैं वो क्या होंगी, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होगी। और नेक्स्ट जो सी कैटेगरी रहेगी, ग वर्गीय सेवाएं रहेंगी, वो होगी प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होगी। दैट्स मीन इसमें हायर एजुकेशन टू प्राइमरी एजुकेशन सारे कंपोनेंट्स एक ही आयोग में समाहित होंगे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, और साथ में न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ़।